कौन ऐसा मायका मांझा है जो अपनी डूबती हुई नैया को किनारे तक लाएगा। जब तक मैदान के अंदर सलामी बल्लेबाज योगेश मात्रे हैं, भले ही उन्होंने 5 गेंदे खेली हो, 2 रन बनाए होंगे, लेकिन आखिर तो है टीम के सलामी बल्लेबाज जो किसी भी वक्त गियर बदल सकते हैं, गेम चेंज कर सकते हैं। क्रिकेट ऐसा ही खेल है दोस्तों, अगर आप इस क्रिकेट में बने रहना है तो आपको ही सोचना पड़ेगा कि आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं या आप खिलौना बनना चाहते हैं। क्योंकि सोच में जब मोच आती है तो हर रिश्ते में खरोच आती है, और आप जानते हैं जब रिश्तों में खरोच आती है तो परिवार का क्या हाल होता है। यही क्रिकेट है, जब आपके क्रिकेट में खराबी आती है तो आपकी टीम की भी पूरी तरीके से वाट लगती है। क्रिकेट इसी का नाम है, अच्छा खेले तो ताली और खराब खेले तो गाली। आप देखेंगे इस क्रिकेट के खेल में, क्रिकेट के इस कायनात कुंभ मेले में कौन सा टीम अपना पगड़ा मजबूत बना पाएगी। 12 गेंदे 17 रन चाहिए। बॉलिंग मार्ग पर रुपेश मात्रे तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट से शुरुआत करेंगे। इस टाइमिंग है बैक टू द बॉलर, हवा में है, मौका बनेगा। लगातार आखिरी 3 गेंदों के ऊपर ये 3 विकेट मैदान से बाहर, चौथा करारा झटका नूर 11 पांडे टीम को। मैच का भी फाइट है, मुकाबले में रंग लाना होगा। एक कोशिश और कर, बैट न तू हार कर, तू है खिलाड़ी खेल का, थोड़ा तो इंतजार कर, विश्वास को दृढ़ बना, संकल्प को कृत बना, एक कोशिश और कर, बैट न तू हार कर। क्योंकि हर दर्द की एक पहचान होती है, खुशी चंद लम्हों की मेहमान होती है, वही बदलते हैं रुख हवाओं का जिनके इरादों में जान होती है। क्या जान होगी इस इरादों में, इस बल्लेबाज में। डीजे सूरज बिल्कुल, क्या यहाँ पर आप इन बल्लेबाजों के ऊपर ये जिम्मेदारियां है, वो जिम्मेदारियों से आप बाहर निकालना पड़ेगा। क्योंकि जिम्मेदारी एक ऐसा पिंजरा है मेरे दोस्त, जिस पिंजरे से बाहर निकालना मुश्किल होता है। मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है, सोचने से ज्यादा आप कोशिश करना भी जरूरी होगा। 11 गेंदे 17 रनों की जरूरत, 17 का साया मंड रहा है जरूर, लेकिन इस 17 रनों के लिए कितना संघर्ष करना पड़ेगा और कितने तकलीफ में डाल देगी अपोजिशन टीम, आने वाला समय बता पाएगा। प्रशांत पाटिल, बॉडी देखकर तो लग रहा है कि मुंबई इंडियंस के जंगली शेर केरन पोलार्ड की याद आती है। क्या वो लंबे छक्के पोलार्ड जैसे दागना चाहेंगे। पहली गेंद के ऊपर विकेट, बॉलर रुपेश तैयार। चलिए, टपा पीछे था, बॉलर की तरफ खेला हुआ ये शॉट था। पिछली 2 गेंदे यानी कि टोटल पिछली आखिरी जो 4 गेंद है उसमें से 3 विकेट गंवाई है, एक भी रन नहीं मिला नूर 11 पांडे टीम को। बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करो, क्योंकि बल आपको लड़ना सिखाएगा और बुद्धि आपको जीतना सिखाएगी। और लेंगे इस लगी है पहाड़ी किनारा, एक और विकेट। पिछली 6 गेंदों के ऊपर 4 विकेट, कोई रन नहीं है, पूरी तरीके से संकट में फंसी है और मैच में पलटवार फिर कौन 11 फिर कौन टीम का। क्योंकि आप बची हुई गेंदे हैं टोटल 9 और चाहिए 17 रन। आजकाल असं म्हणतात की जिथं मस्तक टेकवावत अशा नमस्कारांच्या जागा हल्ली खूप कमी होत चालले, पण ज्यांचं नाव ऐकताच हे मस्त बात है, क्या बात है। कोण म्हणतोय पुण्याचा राजा तर कोण म्हणतोय ठाण्याचा राजा तर कोण म्हणतोय मुंबईचा राजा। आम्ही जगात फक्त मानतो एकच, तो म्हणजेच आमचा छत्रपती शिवाजी राजा। छत्रपती शिवरायांचं संगीत आपण ऐकलात। विशाल पाटील, जयंत मात्रे, 2 फ्रेशर बल्लेबाज, आखरी गेंदी बची है 9 और चाहिए 17 रनों की जरूरत। नारायण ठाकुर साहब को आप थोड़ी सी टेंशन वाला माहौल नजर आ रहा है, लेकिन देखेंगे यहां से हार जीत होती है, कभी खुशी तो कभी गम होती है, लेकिन मैच अब समाप्त नहीं हुआ। ये मैदान के अंदर क्या काबिलियत होगी, रुकावटें आती है सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। क्या ये बाएं हाथ का बल्लेबाज जयंत, जिसने पिछले मुकाबले में जीत दिलाई थी नूर 11 पांडे को, वही बल्लेबाज जयंत अब बैटिंग मार्ग पर। रुपेश मात्रे 3 गेंदों के ऊपर 2 विकेट, बोलो तैयार। छड़ में डाल दिया इस गेंद को, 8 बॉल और 17 की जरूरत, पूरी तरीके से डोमिनेट कर दिया है और पूरी तरीके से पीछे ढकल दिया है इस मैच में नूर 11 पांडे को। पहली ओवर में रन आए थे 10, उसके बाद बनाने थे 22, आप पूरी तरीके से पलटवार, एक बड़ा छक्का चाहिए तभी यह मैच बन सकता है पांडे 11 टीम के लिए।
और चलिए इस बार तू तू मैं आउट, बैट्समैन आउट। और ये गेंदबाजी की अगर चर्चा करेंगे तो अभी भी एक भी रन नहीं है, 3 विकेट मैदान से बाहर। डीजे आप तो यही कह रहे होंगे बल्लेबाज कि कोई तो बचाए हमें पिरकोन के गेंदबाजों के वार से, पलटवार नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर आप संकट में बन सकते हैं। पिछली 8 गेंदों के ऊपर 5 विकेटें, कोई भी रन नहीं है, क्योंकि मनुष्य के दिमाग में दोस्तों 2 घोड़े दौड़ते हैं, एक है निगेटिव, दूसरा है पॉजिटिव। जिसको ज्यादा खुराक दी जाती है ना वो सबसे तेज दौड़ता है। 12वें खिलाड़ी दोनों देख सकते हैं, पहले 5 देवे के खिलाड़ी 10 बने थे, टालियां गूंज रही थी, आप यहां पर साथ में 17 चाहिए तो यहां पर आप देख सकते हैं पिरकोन का 12वां खिलाड़ी, आप टालियां बज रही है। ये तो मजा है क्रिकेट का दोस्तों, यही देखने के लिए दर्शक आते हैं और उनका ये पैसा वसूल। और ये गावदी भी नावा के टूर्नामेंट है आशीष पाटिल सर, यहाँ इससे वैसे मुकाबले नहीं होते, यहाँ सभी काड़े की टक्कर होने वाले। ये मुकाबले आपने देखे, सभी के सभी मुकाबले, हाई वोल्टेज आपके सामने। कठिन रास्तों से ना घबराए, क्योंकि कठिन रास्ते अक्सर खूबसूरत मंजिल तरफ लेकर हमेशा जाते हैं। लेकिन देखेंगे क्या एक और लेफ्टी बल्लेबाज, क्या मैडन ओवर आएगा इस टूर्नामेंट का, या कोई बड़ा शॉट आएगा बल्लेबाज के बल्ले से। ओ क्लीन बॉल, गेंदबाजी पसंद आई हो तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए बॉलर रूपेश मात्री के लिए, गावदी 11 नामा के इस टूर्नामेंट का ये दूसरा मैडन ओवर, रूपेश मात्रे विकेट प्लस मैडन। तो बापांचा बाप शुभा वाक शुभा जन्मला, पापणीला पापणी भिडते त्याला निमित्त म्हणतात, वाघ 2 पावले मागे सरकतो त्याला अवलोकन म्हणतात, आणि हिंद भी स्वराज्याची स्थापना करणाऱ्या वाघाला राजे छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणतात। और यहां से मेडन ओवर जिस गेंदबाज ने फेंकी है ना, वो गेंदबाज है रुपेश मात्रे, उनके लिए 1000 का इनाम 9वें ग्राम सुधारक मंडल।